पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला जनपद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र का है। महिला का पति उसे बुलाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन उसका पति नशा करता है, जिसका विरोध महिला के द्वारा किया जा रहा है। महिला को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए पत्नी जाना नहीं चाहती थी। महिला ने पति से जाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उसके पति को गुस्सा आ गया और महिला के पति ने चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी आ गए और महिला को बामुश्किल बचाया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। नहीं चाहिए था, मैं बुलाने के लिए आया था। अच्छा। अभी पीछे भी आया था मैं, दो तीन दिन पहले इसको मैंने फोन किया तो काशीपुर से नहीं आई। मैं रात भी रुका यहाँ पे, कम से कम इधर वालों ने भी फोन करा, जब भी नहीं आई, बात नहीं करी, बिल्कुल नहीं आई। फिर मैं चला गया था। उंगली क्यों काट दी तुमने? उंगली मैंने काटी, इतने हाथ में से वो सीना कटी उंगली, गर्दन पे छुरी थी और काट रहा था गर्दन। किसकी? अपनी बीबी की। अच्छा, तो आपने, आप जब अंदर आए तो क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या, हाथों पे चप्पू था, गर्दन पे रखा हुआ। अच्छा। अब हम जब छुटाने के लिए चले तो बोला गर्दन काट दूंगा मैं, कदम मत रखना आगे। अच्छा। फिर हमने अद्धे ही मारे फेंक के छोड़ दिया, मगर इन्हें छोड़ा नहीं। ये इनका ही इसका शोहर है। क्यों काट रहा था ये गर्दन? पता नहीं क्या भी बात था इनमें। जी, सबसे पहले जो ये आप आए थे ना, तो गेट खुला हुआ था हमारा, मैं बर्तन धो रही थी, बाजी भी थी और बाजी हमारी बात कर रही थी, तो बस आए गेट पे और सबने बाजी को पकड़ा। पकड़ने के बाद बस जब एकदम से छुरी निकाली सबने बाजी, मैं तो बाहर चली गई, फिर मैं बचाने के लिए आई तो मुझे भी मार रहे थे, फिर उसके बाद में चली गई, फिर मैंने रोल मचाई तो सभी आ गए मोहल्ले में। ये हमारे भाई है, बहनोई है ये हमारा। क्यों काटना चाहते? ये परेशान ज्यादा रख रहे थे तो इसलिए यहाँ पर आ गए थे। ये काम तो करते नहीं है, हमारी बहन ही जाती है काम करने भी। जबरदस्ती बुला कर ले गए? जी हाँ, जबरदस्ती कह रही की हमारे शबनम जो है लड़की, ये यहाँ अपने मायके आई हुई थी, इनका पति है रफीक पेंटर, ये से यहाँ लेने के लिए आया। इसने आने जाने में कुछ आनाकानी करी, इसी बात को लेकर ना कुछ हो गया, जिसमें वो चक्कू थाने के पास में उसका हाथ में लग रहा, किस तरीके से लग रहा वो तो जांच के विषय है, बाद में बताया जाएगा। हो गई है, अभी बाकी इतनी जानकारी है, बाकी बाद में।